Where are you going? नहीं यार मंदिर। तू कहाँ जा रही हो? मंदिर जा रही हो तुम? अच्छा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत दुर्गा पंडाल बन रहा है क्या? अच्छा, व्लॉग शुरू करते ही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज ना हम लोग जा रहे हैं पिंपरी में, वैष्णो माता का मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करके आते हैं। क्योंकि नवरात्रि में ना फिर बहुत ज्यादा रश हो जाता है वहाँ पे। एक बार हम नवरात्रि में गए थे, अब पता नहीं उस समय मैंने व्लॉग शायद शेयर किया था, बहुत भीड़ थी, हम लोगों को दर्शन भी नहीं मिले थे। तो सोचा कि अभी दर्शन करके आते हैं। और फिर नवरात्रि में ना मेरा जो प्लान है वो है, आकुड़े में भी एक मंदिर बनाया है वैष्णो माता का मंदिर, तो वहां पे हम लोग होके आएंगे। उसकी मैंने एक दो रील देखी थी, वहां पे मन है, वो होके आएंगे। और इधर कृषा बैठी हुई है, उधर मम्मी है, अनवित और पापा जी घर पे हैं। और कृषा ने पहनी है अपनी बर्थडे गिफ्ट की फ्रॉक, शुरुआत इसी से हुई है और काफी अच्छी लगी ये वाली जो फ्रॉक है, तो ये पहनी है इसने। और सोचा था कि वहां पे जाएंगे ना मंदिर, तो मुझे ना कुछ फूल वाली मार्केट में भी काम है, क्योंकि जो कुछ फूल्स है ना वो वहीं पे मिलता है। मुझे स्पेशली रोज पेटल लेनी है, रोज पेटल हमारे एरिया में कहीं पे भी नहीं मिलती, वो पिंपरी मार्केट में ही मिलती है। तो जब भी मैं जाती हूँ तो वहां से मैं लेके आती हूँ। और यहाँ पे देखो पूरा ये नर्सरी वाला एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी नर्सरी है। यहाँ पे देखो पूरा सिरामिक का भी यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है, ये सब है। तो अभी वहाँ पे जाते हैं और मैंने सोचा कि अपना व्लॉग भी शेयर करती हूँ और शूट करती हूँ आपके साथ, शेयर करती हूँ कि आज का दिन कैसे जाने वाला है। संडे है आज, तो हम लोगों का ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था, क्योंकि फिर वो टाइम हमें मतलब मिस मैच हो रहा था, इसलिए सोचा कि चलो ब्रेकफास्ट के बाद फिर ही जाएंगे मंदिर। अच्छा, इसको साफ करके तामरी वगैरह भी नहीं, ये और हल्की है। लेकिन ये है कि चलो बुलावा आए नहीं है, अच्छा भी है क्योंकि फिर ढंग से दर्शन भी नहीं हो पाते। तो बस अब यहाँ से हमें कुछ चीज़ें लेनी हैं, वो सब हम शॉपिंग अभी करेंगे। और जो ही है 60 रुपए ना, ये अच्छी है ना, मतलब वो प्लेन प्लेन सी है ना, यहाँ पे कार्विंग नहीं है ना। हाँ, इसके ऊपर हैवी नहीं, हैवी नहीं, वो तो बात में समझ गई। जैसे ये कार्विंग रहता है ना ऊपर, हमारे घर में है ना, इस मेटल में है। हाँ, बहुत सुंदर है, बड़ी। देवी को हमारी वाला जाएगा ना, हाँ ये वाला लहंगा आ जाएगा ना, साइज है ना, साइज तो ये आ जाएगा आराम से ना, साइज आ जाएगा। इसमें कलर और देख लेते हैं ना। हाँ, छोटा नहीं है, बड़ा नहीं, छोटा। अच्छा, ये आप उनके ड्रेसेस दिखा रहे हो, दिखाइए और लोग आ गए हैं पिंपरी से, आए हुए हमें 10 मिनट हो गए हैं। इधर वंदना भी आ गई है, तो अभी बनाएगी पुलाव। और क्योंकि सुबह हम लोगों ने ना आलू का पराठा खाया था, तो अभी वीकेंड है, तो वीकेंड पे मतलब एक बार तो पुलाव मतलब बनता ही बनता है, तो इसीलिए तो आज संडे का डे है, तो पुलाव बनाएंगे। और मुझे वो फ्राई वाला ही पसंद है। तो यहाँ पे आपने वो कोरमा पुलाव ट्राई किया कि नहीं किया, वो ज़रूर करना, क्योंकि वो बहुत टेस्टी बन के तैयार हुआ था। आज सिंपल फ्राई वाला बनाऊंगी, तो यहाँ पे जो राइस है ना
इस राइस में हमने कॉर्न और ये मटर डाला है और यहाँ पे अभी हम लोग ऑयल के अंदर खड़े मसाले डाल के और अपनी सब्जियां फ्राई करेंगे, है ना। खड़े मसाले डाल के सब्जियां फ्राई करेंगे ना, निकाले हैं मसाले। ये सब मसाले निकाल के रखे हुए हैं तो बस खड़ा मसाला डालेंगे, कर लेते हैं आई थिंक सब्जियां फ्राई, है ना। जलाओ गैस, और पिंपरी से हम लोग सब्जियां, एक्चुअली सब्जी कल हम लोग ले आए थे स्टार बाजार से तो आलू प्याज लाना भूल गए थे वहीं पे। एक्चुअली मुझे फ्लावर्स लेके आने थे, देखो मैंने आते ही ना अपने जो फ्लावर्स है ना, बेसिकली मुझे पीटल्स चाहिए थी, मुझे अपने लिए बनानी है वो टी बनानी है, रोज टी, तो उसके लिए मैं फ्लावर पीटल्स लेके आई हूँ। तो इनको मैंने ना थोड़ा सा, ये गीली थी तो अभी सूखने के लिए रख दिया है यहाँ पे, क्योंकि कल, ये देखो कल जो मैंने वो बनाए थे ना आपके साथ शेयर भी किए थे, ये भी मैंने यहाँ पे सूखने के लिए रखी है अपनी जो DIY धूपबत्ती है ना। एक्चुअली क्या है, ये बनी तो अच्छी हैं, ये देखो ये पूरी बालकनी में कपड़े कपड़े हो रहे हैं, देखो ये बनी तो अच्छी हैं, खुशबू भी इनमें बहुत अच्छी है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक्चुअली थोड़ा सा पेशेंस कम होता है अगर मुझे कोई चीज़ ट्राई करनी होती है। वो जो भी मैंने देखा है ना वो बेसिकली एकदम जो ड्राई फ्लावर रहता है ना माला वगैरह वाले, उनका बनता है, तो आप लोग भी उनका ही ट्राई करना। लेकिन मैंने किया ना वो गीले वाले फ्लावर थे ना, उनको कढ़ाई वगैरह में करके बहुत तामझाम किया मैंने, लेकिन फिर भी मुझे रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया। लेकिन इस बार मैं पेशेंस रखूँगी और जो भी फ्लावर यूज़ करूँगी ना उनको मैं, मतलब ये नहीं करूँगी, हम लोग ये बायोग्रेड होने के लिए डाल देते हैं ना सोसाइटी में, वहाँ से वो खाद वगैरह बनता है उनका, लेकिन इस बार मैं उनको इकट्ठा करके उनको अच्छे से ड्राई करके तब बनाऊंगी। लेकिन आज मैंने जलाई थी, मैंने आज की मॉर्निंग क्लिप में शेयर भी की है, तो वो जल तो गई थी, मतलब थोड़ा मेहनत करनी पड़ी कपूर वपूर डालने के बाद, लेकिन ये करूंगी ना ड्राई वाला वो और अच्छे से जलेंगी, तो इसीलिए ये हम लोग ये लेके आए। और पूजा का काफ़ी सारा सामान लेके आई हूँ मैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, पहले लंच वगैरह करूंगी उसके बाद, तो पहले लंच का काम हो जाएगा फिर बाकी का जो रहेगा ना वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो पूरा इधर अभी बर्तन वगैरह एक्चुअली गीले हैं ना, अभी वो क्लीन करके गई थी तो इसलिए पूरा ये मैस हो रहा है। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक हम करते हैं थोड़ी सी कुकिंग और फिर जैसा रहेगा आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। मैं अभी डाल दूंगी क्योंकि टमाटर से मन है खिचकी हो जाएंगे फिर, बहुत ज़्यादा खोगी खोगी से ना, तो उसको कांच के बाउल में करके इसमें नमक नींबू जाएगा, ठीक है। और चावल यहाँ पे छान लिए हैं, आलू तो हो गया है, बस गाजर मसाला है क्या हाँ, और एक काम करना उसमें से थोड़े से चावल अलग निकाल दो। हाँ मेथी ये लो, बैठ के लो। ये है हमारी प्लेट, यहाँ पे है हमारा पुलाव, साथ में है सलाद, ये है मूली का लच्छा, रायता बूंदी का, और साथ में है मेरी मिर्चें। सो अभी नेक्स्ट डे हो गया है और अनवित जस्ट अभी स्कूल गया है, आज है मम्मी का बर्थडे, तो आज ब्रेकफास्ट में बनेंगे ब्रेड रोल। यहाँ पे देखो मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं और ब्रेकफास्ट में अनवित के लिए लंच में जमे बनाए थे, तो मम्मी को मैंने दो तीन ऑप्शन दिए थे, तो मम्मी को ब्रेड रोल काफ़ी पसंद है, तो फिर मम्मी ने बोला कि ब्रेड रोल खा लूँगी मैं, तो इसीलिए उसकी प्रिपरेशन कर दी है। बस मुझे अभी देखो अभी टाइम हो रहा है 8:45, तो बस मुझे अभी पूजा करनी है, फिर निर्मला आ जाएगी तो उसके साथ मिलके ना उसको ब्रेड रोल बता दूंगी, क्योंकि थोड़ा उसको बताना पड़ता है, ब्रेड रोल वगैरह उसका आदत नहीं है ना बनाने की, नहीं तो फिर वो मतलब ख़राब हो जाते हैं। तो मैं जल्दी से पूजा कर लेती हूँ, फिर आज का जैसा दिन रहेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। डाल लिया आम, आम डाला, आम डाला ना, हरा धनिया और ये मसाले वगैरह सब कुछ डाल लिया, नमक और जीरा। अच्छा तो आम एक ही डाला ना, दो डाले, ये पूरा था, ये गुठली है। अच्छा ये गुठली है। अच्छा
तो मैंने ना ये कुछ कच्चे आम ना फ्रोजन करके रख लिए थे, तो ऐसे काम आ जाते हैं। और ये अभी चटनी में ये डाला है हमने, चटनी पिस गई है। अभी ब्रेड रोल के ना मैं आलू फ्राई करूंगी। ब्रेड रोल के जो आलू होते हैं ना बहुत ज्यादा हमें मशीन नहीं चाहिए होते, नहीं तो मसाला होता। और इधर सौरभ भी आ गए थे, ब्रेड और केक वगैरह सब लेके आए हैं। और क्योंकि अनवित के स्कूल से आते वक्त बहुत बड़ी बेकरी है, हर महीने बार बहुत ज़्यादा है वो, बहुत ज़्यादा डाला बेकरी का, बहुत बड़ा बेक रोल है वहाँ पे ना, बहुत ज़्यादा डाला है। मतलब चीज़ें मिल जाए ऐसे चम्मच से ही डाला करो, ऐसे मत डाला करो, डाल दो खाती हूँ। और ब्रेड रोल में अनियन का कोई रोल भी नहीं होता, ऐसे ही अच्छे लगते हैं बेसिकली। तो बस जीरा डाला, हाँ अभी ब्रेड रोल बना रहे त्रिशा, और साथ में गरम मसाला डाल दिया, डाल दिया आलू, गरम मसाले को डाल दिया अच्छे से फ्राई को, फिर इसमें आलू डाला वो डाल दिया। तो उसमें ना आलू कट करके ऐड किए हैं, क्योंकि कट करे आलू में मसाला बहुत अच्छे से कोट हो जाता है। और जब हम कूलिंग करेंगे ना तब इनको हल्का सा और मतलब कोट देंगे, थोड़ा छोटा कर लेंगे। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि इसको कट करके भी डालना है, नहीं तो मसाला फिर अच्छे से कोट नहीं होता। जो आलू मिर्ची होते हैं तो क्या करते हैं और भी बहुत ज़्यादा पीला होता है, मसाला अच्छे से कोट नहीं होता, ये इम्पोर्टेंट। तो जो पहाड़ी आलू आते थे ना वो मीठे नहीं आते थे, तो यहाँ पे आलू फ्राई हो गए हैं और चटनी भी बनके तैयार हो गई है। और चटनी टेस्ट किया तो पता चला कि थोड़ा ज़्यादा खट्टी हो गई, अगर एक आम डालते तो मतलब ज़्यादा ठीक रहता। और गरम मसाला डाल दिया और कसम हो गई है, क्योंकि ना जब ब्रेड हम डिप करते हैं तो उसका अंदाजा होना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा डिप करा तो ब्रेड चुरा चुरा हो जाती है, अगर कम किया तो वो थोड़ा और डलेगा, तो इसलिए थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए। तो भाई मैंने उसको बता दिया कि कैसे करना है, और फिर फिल करके उसने जो ब्रेड रोल है वो फ्राई कर दिए थे। देखो हल्के हल्के हाथ से वो करेगी और फिर ऐसे मतलब पानी में करके उसका जो रोल है ना वो बनाएंगे। नहीं रहने दो, ब्रेड रोल बनना तो ब्रेड रोल, हम तीनों बहन भाई को ना ब्रेड रोल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वीक में एक बार तो हमेशा बनते ही बनते थे, स्पेशली संडे को। और जब हम मॉर्निंग में वो संडे को महाभारत या फिर कोई भी एक बच्चों का शो आया करता था ना मोगली वगैरह, वो देखते देखते खाया करते थे। तो इन ब्रेड रोल के साथ ना वही सब यादें जुड़ी हुई हैं, हर किसी के साथ अपनी बचपन की यादें किसी न किसी चीज़ के साथ जुड़ी हुई होती हैं। और मेरी मम्मी ब्रेड रोल बहुत अच्छा बनाया करती थी, वो टेस्ट आज भी मैं बनाती हूँ लेकिन वो टेस्ट आज भी ढूंढ नहीं पाती। पता नहीं या तो मम्मी के हाथ का जादू था या क्या था, क्योंकि हर बच्चे को अपनी माँ के हाथ का खाना पसंद होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसे वेट वेट वेट, एक कार वाला स्टेंसिल रखो ऐसे, ये ऐसे अब करो कलर, कलर करो कलर, ये कलर करो ऐसे, कलर करो कलर, करो बीच बीच में कलर। ओ तूने तो कलर तोड़ दिया, ओ तूने कलर तोड़ दिया। देखो वेट करो वेट करो वेट, मम्मी मम्मी हेल्प करेगी। देखो ऐसे तुमने तो कलर ब्रेक कर दिया, इसको ऐसे करके मैं बताती हूँ तुम्हें। ए देखो ऐसे करो कृष्णा, ऐसे ऐसे देखो, व्हील व्हील जो देखो, व्हील जो ना बस गोज राउंड एंड राउंड, व्हील जो ना कार गोज राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। ये भाई को देना ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे टू अनवित फ्रॉम कृष्णा। जल्दी पहनो, जल्दी पहनो अपना ड्रेस। बाबा 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 कीसा बाबा बाबा कीसा 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 बाबा 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 काओ मम्मी मामा। चलो क्या फोन पे बात करेगी अभी। हेलो हेलो बाबा बाबा इसी के ऊपर भी बैठ जाती हूँ, यहीं पे हम लोग केक कटिंग करने वाले हैं अभी, और इसके बाद हम लोग जाएंगे हल्दीराम डिनर के लिए। अनवित
वो बलून वहां से मत हटाओ ना, अच्छा लग रहा है वो। ठीक है। हाँ, और लाइट ऑन कर, क्या उधर से इधर लाइट नहीं आ रही, इधर थोड़ा सा डार्क फील हो रहा है। क्या है किस्सा? मम्मी आ जाए तो तभी खोलना है, छोड़ेंगे नहीं दोनों। हाँ रखो यहाँ पे, ये पहले ये दे। हाँ फैन बंद करो। हाँ चलो बैठो, अम्मा के पास यहाँ खड़े जाओ, यहाँ केक कट करना, यहाँ खड़े जाओ। पेशाब बहुत मुंह पे हो गया, केक काटा है इस आदमी इस रेशम को। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। लो मम्मी को चॉकलेट पसंद है तो चॉकलेट खिलाओ मम्मी को, चॉकलेट खिलाओ। ये खाओ खिलाओ ना, चॉकलेट खा रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सो फाइनली हम लोग अभी केक कटिंग वगैरह सब कुछ हो गया, हम लोग डिनर के लिए जा रहे हैं, जाएंगे हल्दीराम, वहीं पे डिसाइड हुआ है और बच्चे एक्साइटेड हैं। और अन्य तरफ लग जाएगा डोर। हम लोग डिनर करके आ गए थे और उधर देखो कृष्णा पार्क भाग गई। हम लोग पिछले आधे पौने घंटे से नीचे ही हैं, दोनों को पार्क में लेके घूम रहे थे कि कल चलो, 2 अक्टूबर है ना तो ऑफ ही है, लेकिन ये लड़की आने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो कुछ ऐसे रहे हमारे 2 डेज। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जल्दी ही मिलूंगी आप लोगों से न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप अपना अपना बहुत सारा ख्याल, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।